जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने ग्रहों की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। आज मैं आप सबसे बात करूंगी शुक्रदेव को लेकर। शुक्रदेव यानी कि लग्जरी के कारक, शुक्रदेव यानी कि फाइनेंस के कारक, शुक्रदेव यानी कि ऑपोजिट सेक्स का सुख पूरी तरह मिले उसके कारक। आपको धन और वैभव शुक्रदेव ही देते हैं। वैभव और समृद्धि के दाता ग्रह शुक्रदेव जिस भी इंसान की कुंडली में शुभ हो जाए ना, या शुभ स्थान पर हो, तो उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। उसको अच्छा जीवन साथी मिलता है, उसको लग्जरी प्रॉपर मिलती है, उसको बहुत ही सुंदर स्किन मिलती है, बहुत ही सुंदर होता है ऐसा व्यक्ति। आजीवन ऐसा व्यक्ति सुख सुविधाओं के बीच में ही रहता है और हमेशा सुख भोगता रहता है। शुक्रदेव 7 जुलाई को सुबह 3:55 में कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो अब ये जो शुक्रदेव का गोचर है, वीनस का जो ट्रांजिट है, ऐसे में ये गोचर करके, पहले मैं आपको बता देती हूँ, 23 जुलाई को सुबह 6:01 पर शुक्र वक्री भी हो जाएंगे और 7 अगस्त 2023 को सुबह फिर से कर्क राशि में वापसी करेंगे। तो शुक्र की इस स्थिति में 4 सितंबर तक शुक्रदेव यहाँ पर ऐसे रहेंगे, तो 4 सितंबर 2023 की सुबह 6:20 से फिर से शुक्रदेव वक्री हो जाएंगे। तो वक्री से सॉरी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो ये मार्गी होकर फिर 2 अक्टूबर रात को 12:45 पर ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में शुक्र का ये परिवर्तन जो जुलाई से अगस्त के बीच में 30 दिनों तक रहने वाला है, जो राशियां मैं आपको बताऊंगी, इन राशियों के लोगों को भाग्य का साथ पूर्ण रूप से मिलेगा। अगर आपकी भी ये राशियां हैं, आप भी इन लकी राशियों में शामिल होते हैं, तो आपको भी समझिए कि भाग्य का पूर्ण रूप से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। इस समय का सदुपयोग आपको जरूर करना है। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। शुक्र का ये गोचर आपके प्रेम संबंधों को बढ़ाएगा। अगर शादीशुदा है तो आपको बहुत ही सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि फिर प्रेम संबंध बनेंगे तो शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर शादीशुदा नहीं है, शादी करना चाह रहे थे, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने रिश्तों को लेकर आप बहुत ही गंभीर हो जाएंगे इस पीरियड में। अपने प्यार की हर इच्छा पूरी करने की भी आप कोशिश करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, उन लोगों के लिए इस समय कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है। आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी आकर्षित करेगी लोगों को इस पर्टिकुलर पीरियड में, और करियर के लिहाज से नाम और दाम दोनों आपको मिलेंगे। आप ऐसे समझिए कि आपने कर्म करा है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। वृषभ राशि की बात करूँ तो घर में खुशियाँ बढ़ेंगी आप लोगों के लिए। आपकी तो राशि के ही स्वामी शुक्रदेव हैं, और अगर जन्म कुंडली में शुक्र बढ़िया है, आपकी बल्ले बल्ले होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम अगर आप करना चाहते हैं तो ये पीरियड बहुत बेहतरीन है और ज़रूर होगा। अगर आपने सोचा भी नहीं था ना, तो शुक्रदेव अपने आप ही करा लेंगे। आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं या नई कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बिजनेस में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बाद मुनाफा आपको ज़रूर होगा। और प्रॉपर्टी से जुड़े अगर आपके कोई केस चल रहे थे या कोई कोर्ट कचहरी का आपका इशू चल रहा था, तो इस पीरियड में वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद मिथुन राशि की बात करूँ तो अपने किसी भी बहुत ही प्यारे इंसान के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप चांद सितारे तोड़ने की इच्छा अपने अंदर आप लेकर आएंगे, लेकिन मैं कहूँगी चांद सितारे मत तोड़िएगा, सिर्फ उनके मन के भाव को समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रेम संबंध आपके यहाँ पर अच्छे होते हुए, बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। ऑफिस में सहयोगियों की भी मदद आपको मिलेगी, साथ के लोग आपको बहुत मदद करेंगे। यात्राओं से भी आपको लाभ होते हुए दिख रहा है।
धन लाभ आपको होते हुए बहुत अच्छा बन रहा है इस पीरियड में, आपका मन बहुत खुश रहने वाला है, घर में सुख शांति रहेगी ऐसा भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए लाभ ही लाभ लेकर आया है। कर्क राशि की बात करूं तो शुक्र का ये गोचर आपकी पर्सनालिटी को आकर्षक करेगा, प्रबल धन लाभ होने वाला है आपके लिए, आप अपनी बोली से लोगों का मन जीत लेंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपकी अर्निंग के साधन भी बढ़ेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा आपका यश चारों दिशाओं में फैलेगा, ऐसा समझिए। बढ़िया खाना बनाकर खाना और खिलाने का पूरा आनंद उठाएंगे आप इस पीरियड में। अगली राशि की बात करो तो सिंह राशि के लोगों को आप देखिए, आप लोगों को ना अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा आया है, क्योंकि अभी तक जो आप मेहनत कर रहे थे आपको उसका परिणाम पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जरूर मिलेगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी, वैवाहिक सुख आपको जरूर मिलेगा, बिजनेस में भी तरक्की होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके लिए, बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिद छोड़नी पड़ेगी, जिद पे अड़े रहेंगे तो कुछ भी नहीं अच्छा होगा, फिर सब आप अपने आप खराब करेंगे, क्योंकि जीवन में किसी नए रोमांस की एंट्री होने वाली है, आप ऐसे समझिए, तो जिद में मत अड़िए, चीजों को समझ के करिए, समय आपके लिए बहुत बेहतर और अनुकूल रहेगा। कन्या राशि की बात करूं तो विदेश में काम करने वालों को बहुत फायदा और लाभ होते हुए दिख रहा है, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है आपकी, दूसरे प्रदेश की यात्रा भी कर सकते हैं आप खुद पर, और अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूं कि आप अपने शौक पर पैसा ज्यादा खर्च करेंगे, आपका मन बहुत खुश रहेगा इस पीरियड में, लेकिन संतुलित जीवन शैली होना आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी टेंशन होने लगती है कि क्या ऐसा है या हम ज्यादा सोच रहे हैं या ये एक भ्रम की दुनिया है, तो आप घबराइए मत, बस अपने शुक्र को अच्छा करके चलिए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद मत रखिए और लाइफ पार्टनर को भला बुरा मत बोलिए, ऑपोजिट सेक्स को उल्टा सीधा मत बोलिए, फीमेल्स की रेस्पेक्ट करिए तो चीज़ें आपके लिए बेहतर ही रहेंगी। तुला राशि की बात करूँ तो आमदनी में आपके इजाफा होते हुए दिख रहा है, लंबे समय से अटके काम आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं इस पीरियड में। देखिए आपकी राशि के तो स्वामी ही शुक्रदेव हैं, तो आपको तो घबराने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव आपको बहुत कुछ देने आए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह का अगर सपोज करिए गोचर हो रहा है तो जन्म कुंडली में पर्टिकुलर वो ग्रह ठीक होना जरूरी है। अगर शुक्र का गोचर हो रहा है तो शुक्र ग्रह आपकी जन्म कुंडली में सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, शुक्र ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए चीजों को खराब कर सकते हैं, या आपको शुक्र का गोचर फिर जिस भी पीरियड में हो रहा है और शुक्रदेव खराब है तो ये आपको अच्छे लाभ नहीं देगा। तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा है तो मैं आपको कहूंगी कि आपके अटके हुए काम भी यहाँ पर जरूर बन जाएंगे, आपका कार्य अगर काफी लंबे समय से रुका हुआ था, पूरा नहीं हो रहा था, तो इस समय होते हुए नजर आ रहा है कि जरूर पूरा हो जाएगा, तो आपको घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अटके हुए काम इस पीरियड में बनते हुए दिख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी वापस लौट आएगा, आपके सीनियर लोगों के साथ भी आपके जो रिश्ते खराब हो गए थे वो भी ठीक होंगे, प्रमोशन होने के चांसेस हैं, बिजनेस में भी आपके नए संपर्क बनते हुए दिख रहे हैं जिससे आपको लाभ होगा, फायदा होगा, तो घबराइए मत, बस शर्त वही आती है कि शुक्रदेव आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए। तो ये गोचर शुक्रदेव का इन राशियों के लिए यही खास लेकर आया था जो मैंने आप सबको बताया है, लेकिन आप सबके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव अच्छे होने चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव अच्छे हैं या
पर्टिकुलर इस समय शुक्र की स्थिति अच्छी है तो डेफिनेटली अगर आपकी चतुर राशि यही है जो मैंने आपको बताई है तो आपको लाभ होने से कोई नहीं रोक सकता है। शुक्र से मिलने वाले सारे अच्छे जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। फाइनेंशियल गेन आपको होगा, सिंगल है तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो दूर हो जाएगी, न्यू आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप नई व्हीकल खरीद सकते हैं। सो दिस पीरियड इज वेरी 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 गुड। शुक्र को अच्छा रखिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपको लग रहा है इस पीरियड में लाभ नहीं मिल रहा है तो अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर आप अपने ग्रहों की स्थिति जैसी भी है उसके अकॉर्डिंग उपाय करिए, क्योंकि आप जब अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करते हैं ना तो आप ऐसे समझिए वो एक एंटीडोज की तरह है। एंटीबायोटिक ना तुरंत असर करती है, एक होती है दवाई जो धीरे धीरे असर करती है, 3-4 दिन खाएंगे तब असर करेगी, लेकिन जब आप अपने ग्रहों के अनुसार उपाय करते हैं, अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार उपाय करते हैं तो आपको पता है आपके लिए पर्टिकुलर वही एक चीज सही है और वो आप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।